आईफोन 12 लॉन्च इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो अगर आप आईफोन 12 सीरीज का वेट कर रहे हो तो आपको इस बार काफ़ी कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलने वाला है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि आने वाले टाइम में आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी होगा, जिसका मतलब है सीधा सा प्राइस ड्रॉप। या मैं कहूँ कि गोइंग फॉरवर्ड आपको आईफोन्स पर ना तो कोई इम्पोर्ट चार्जेस देने, ना ही किसी तरह का कस्टम ड्यूटी। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है गाइज। लॉन्च से पहले आईफोन 12 सीरीज के कुछ ऐसे डिटेल्स सामने निकल कर आ चुके हैं जो डेफिनेटली आपका माइंड ब्लो कर देंगे। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में आईफोन 12 सीरीज से जुड़े काफी सारे न्यू डिटेल्स शेयर करने वाला हूं अलोंग विद प्राइस एंड लॉन्च डेट। तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिएगा। ऑलराइट गाइस, सो आईफोन 12 सीरीज जो कि सितंबर मंथ में लॉन्च होने वाली थी, इस पैंडेमिक सिचुएशन के कारण इसका लॉन्च अक्टूबर मंथ के लिए स्केड्यूल कर दिया गया है, व्हिच इज मोस्ट प्रोबेबली 12th ऑफ अक्टूबर। सो बेसिकली आईफोन 12 सीरीज में इस बार आपको चार वेरिएंट देखने को मिलेंगे, लास्ट ईयर की तरह तीन स्टैंडर्ड वेरिएंट जिनमें आईफोन 12, 12 मैक्स और 12 प्रो होंगे। बट इस बार आपको प्रो मॉडल के साथ में एक मैक्स वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। अब आईफोन 12 सीरीज का कंप्लीट लाइनअप इनबिल्ट 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, बट इंडिया और कुछ एशियन कंट्रीज में जहां पर 5G सर्विस अवेलेबल नहीं है, आईफोन 12 और 12 मैक्स की 4G वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं। सो बात करें बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर, तो आईफोन 12 सीरीज मेटेलिक फ्रेम के ऊपर एक बॉक्सी डिजाइन के साथ में आएगा, जैसा आपको आईफोन 4 और 5 के साथ में देखने को मिला था। मतलब जो साइड एजेस होंगे वो कर्व नहीं होंगे, विच लुक प्रिटी ऑसम, और एक बहुत ही प्रीमियम सा डिजाइन आपको ऑफर किया जाएगा। और इसी से रिलेटेड आईफोन 12 सीरीज का एक हैंड्स ऑन वीडियो भी लीक हुआ है, जो डेफिनेटली एक प्रोटोटाइप ही है, बट यहां पर आप इसके डिजाइन का आइडिया लगा सकते हो। डिस्प्ले को लेकर बात करें तो जो बेस वेरिएंट होगा मतलब आईफोन 12, वहां पर स्क्रीन साइज 5.4 इंचेस का होगा जो कि एक कॉम्पैक्ट साइज होगा। उसके बाद आईफोन 12 मैक्स और 12 प्रो में स्क्रीन साइज 6.1 इंचेस का रहने वाला है, विच इज द स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट साइज। लेकिन अगर आपको इससे भी बड़ी डिस्प्ले का रिक्वायरमेंट है तो फिर वो आपको आईफोन 12 मैक्स प्रो के साथ में देखने को मिलेगा, विच इज 6.7 इंचेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स में सैमसंग का ओलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा फुल HD रेजोल्यूशन के ऊपर, और जो आईफोन 12 और 12 मैक्स होंगे वहां पर HDR डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। गाइज आईफोन 12 प्रो और 12 प्रो मैक्स ये दोनों डिवाइस 120Hz के हायर रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले हैं, विच इज ऑलमोस्ट कंफर्म, क्योंकि जॉन प्रोशर जिन्होंने डिस्प्ले को लेकर काफी जबरदस्त लीक शेयर किया है, जहां आईफोन 12 प्रो के हैंड्स ऑन वीडियो के साथ में कुछ इमेजेस भी शेयर किए हैं जहां पर आप हायर रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी देख सकते हो। हालांकि ये PVT सैंपल्स है जो कि फाइनल प्रोडक्ट से पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये जो 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट है, इसको मेंटेन करने के लिए बैटरी कैपेसिटी भी काफी अच्छी होनी चाहिए। सो एप्पल ने रिफ्रेश रेट को लेकर एक खास फीचर यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, जो डिस्प्ले होगा वहां पर एडेप्टिव रिफ्रेश रेट का फीचर भी देखने को मिलेगा, जिसे इनेबल करने के बाद आपके डिस्प्ले कंटेंट के अकॉर्डिंग डिवाइस ऑटोमेटिकली 60Hz से 120Hz के बीच में स्विच कर लेगा। तो ये एक काफी अच्छा फीचर है। बाकी डिस्प्ले में जो नॉच होगा वो पहले जैसा ही होगा, बट जो साइड बेजल्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिससे डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको और भी बेटर देखने को मिलेगा। इसके अलावा फेस आईडी को लेकर भी एक बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है, मतलब ये फीचर पहले से काफी ज्यादा एडवांस होगा, और ये इतना एक्यूरेटली वर्क करेगा कि अगर आपका फोन टेबल पर भी रखा होगा तो ये फेस आईडी काफी अच्छे से काम करेगा। और इसके अलावा साइड फेस वाले सिनेरियोज में भी आप अपने डिवाइस को बहुत ही क्विकली अनलॉक कर पाएंगे। अब बैटरी फीचर को लेकर बात करें तो बैटरी कितनी होगी ये तो डिवाइस के लॉन्च के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि एप्पल की एक अपनी ही चौड़ है कि लॉन्च इवेंट में ना तो वो अपनी बैटरी कैपेसिटी को रिवील करते हैं और ना ही डिवाइस के रैम को। बट कुछ लीक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी हद तक ये कन्फर्म हो चुका है कि आईफोन 12 के साथ में आपको 2200mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है, वहीं आईफोन 12 मैक्स और 12 प्रो 2700mAh की बैटरी के साथ आ सकते हैं, और जो 12 प्रो मैक्स होगा जो कि सबसे हायर वेरिएंट होगा वहां पर आपको 3600mAh तक की बैटरी देखने को मिल सकती है। साथ में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जैसा फीचर्स भी आपको शायद से इस बार आईफोन 12 सीरीज के साथ में देखने को मिल जाए, तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। और सिक्योरिटी के लिए डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर या फिर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का फीचर भी देखने को मिल सकता है, जो टच आईडी होगा उसके चांसेस बहुत ही कम होंगे। गाइज आईफोन 12 सीरीज में आपको मिलेगा A14 बायोनिक चिपसेट जो कि 5nm आर्किटेक्चर बेस्ड चिपसेट है, और A13 बायोनिक चिपसेट से 15% ज्यादा फास्टर परफॉर्मेंस आपको ऑफर करेगा, और पावर एफिशिएंसी 30% ज्यादा इंप्रूव देखने को मिलेगी, और जो बैटरी बैकअप होगा वो पहले से काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये चिपसेट 5G रेडी चिपसेट होंगे, क्योंकि एप्पल यहाँ पर X66 मॉडम यूज करने वाला है, तो यहाँ पर जो सभी डिवाइस होंगे वहां पर आपको इनबिल्ट 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कैमरास को लेकर बात करें तो काफी सारे न्यू डिटेल
डिटेल सामने आ चुके हैं, जिनमें सबसे पहले बात करें इसके कैमरा ओरिएंटेशन की, तो आईफोन 12 और 12 मैक्स में ड्यूअल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा। 12 मेगापिक्सल वाइड और 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर का कॉम्बिनेशन होने वाला है। और आईफोन 12 प्रो और मैक्स प्रो के साथ जहां पर पहले क्वाड कैमरा सेटअप बताया जा रहा था, वहां पर ट्रिपल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा। और ये कैमरा मॉड्यूल आईफोन 11 और 11 प्रो से 10% बिगर होगा। और जो कैमरा मॉड्यूल होगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। 12 मेगापिक्सल वाइड और अल्ट्रा वाइड सेंसर के अलावा एडिशनली थर्ड सेंसर में टेलीफोटो लेंस भी होने वाला है, जहां पर आपको एडवांस जूमिंग कैपेबिलिटीज का फीचर भी देखने को मिलेगा। कैमरास पर आपको लाइडार सेंसर का सपोर्ट भी मिलेगा, जो कि रिसेंटली आईपैड प्रो के साथ में भी आप देख चुके हो, जिसकी हेल्प से आप कैमरा में ऑटो फोकस काफी बेटर तरीके से कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर करने में, नाइट वीडियो शूट करने में और एआर एप्लीकेशंस को काफी अच्छे से आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। जॉन प्रोसर ने कैमरास को लेकर कुछ डिटेल्स भी शेयर किए हैं, जैसे कि आपको इस बार एडवांस नाइट मोड का फीचर भी देखने को मिलेगा, तो बहुत ही अच्छी नाइट फोटोग्राफी और वीडियो आप यहां से कैप्चर कर पाओगे। इसके अलावा प्रो मॉडल्स के कैमरास में आप 120 fps और 240 fps पर 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। सो कैमरास को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त अपग्रेड आपको इस बार iPhone 12 सीरीज के साथ में देखने को मिलेगा। नाउ टॉक अबाउट द चार्जर, तो इट्स कंफर्म के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर और ईयरफोन देखने को नहीं मिलने वाले, तो आपको यहां पर अपना ओल्ड चार्जर यूज करना होगा, अदरवाइज आपको 20 वोल्ट का जो चार्जर है उसे एडिशनली बाय करना पड़ेगा। अब ऐसा करने से आपको डिवाइस की कॉस्ट में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट सीन ये है कि एप्पल डिवाइस के अलावा अपने आईओटी प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग करना चाहते हैं, और इसी वजह से पहले उन्होंने 3.5 mm ऑडियो जैक को रिमूव किया, और अभी जो 20 वोट का चार्जर शोकेस किया उसके पीछे भी शायद यही रीजन हो सकता है कि एप्पल चाहता है कि यूजर उसे सेपरेटली बाय करें, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपके थॉट्स क्या हैं आप मुझे नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। बाकी अगर बात करें प्राइसिंग को लेकर, तो जो प्राइसिंग अभी तक सामने निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग बेस वेरियंट की प्राइस $699 लगभग 50,000 के करीब एक्सपेक्टेड है, और इसी तरह से आईफोन 12 मैक्स का प्राइस लगभग 57,000 के करीब, आईफोन 12 प्रो का प्राइस 72,000, और जो मैक्स वेरियंट होगा उसका प्राइस लगभग 81,000 के करीब हो सकता है। ये प्राइस टैग यूएस डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद होता है, बट आप तो जानते होंगे कि इंडिया में आईफोन्स कंप्लीटली इंपोर्ट किए जाते हैं, तो कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट चार्जेस के बेस पर आपको प्राइस में 20-30% का इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। बट जैसा कि इंडिया में आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर इंडिया में आईफोन 12 सीरीज का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा तो फिर आपको इंपोर्ट चार्जेस और कस्टम ड्यूटी जैसे चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, बट ऐसा शायद से आपको नेक्स्ट ईयर तक देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए आईफोन 12 सीरीज को डेफिनेटली इंडिया में इंपोर्ट ही किया जाएगा, और आईफोन 12 सीरीज के लॉन्च के बाद में आईफोन XR और आईफोन 11 प्रो को शायद से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। नाउ टॉक अबाउट द लॉन्च डेट, तो लीक्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर 12 विल बी द ऑफिशियल लॉन्च डेट, और नवंबर से ये डिवाइस प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, मतलब आईफोन 12 और 12 मैक्स और जो iPhone 12 Pro और 12 Pro Max होंगे वो नवंबर मंथ में लॉन्च हो सकते हैं। इसके अलावा iPhone 12 सीरीज में जो 4G वेरिएंट होंगे वो आपको नेक्स्ट ईयर ही देखने को मिलेंगे। सो फिलहाल के लिए iPhone 12 सीरीज 5G सपोर्ट के साथ ही आने वाली है। सो दीज आर दी मेन हाइलाइटेड फीचर्स। इसके अलावा बाकी फीचर्स की बात करें तो आपको लेटेस्ट iOS बिल्ड 14 मिलने वाला है। वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए आपको IP68 सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा, और बाकी सारे आईफोन के सिग्नेचर फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आईफोन 12 सीरीज। बाकी कमेंट्स में आप मुझे बताओ क्या आप आईफोन 12 सीरीज के लिए एक्साइटेड हो, और क्या आपने कभी आईफोन डिवाइस को यूज किया है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आईफोन 12 सीरीज से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चैनल पर एक्सक्लूसिवली देखने को मिल जाए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।